हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, कि हम टेंस का चेंज कैसे करते हैं। तो हम टेंस को चेंज करेंगे तो हम दो बातों ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की, कि हम टेंस को चेंज कब करते हैं और एक टेंस को चेंज हम कब नहीं करते। तो ये बात हमें रिपोर्टिंग वर्ब से पता चलेगी। आपको देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आपको जो टेंस दे रखा है वो टेंस आपको मिले प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब की बात करता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो टेंस है वो मिला के प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो दे रखा है आपको फ्यूचर टेंस में, तो आप जो टेंस चेंज करोगे वो आपको नहीं करना, मतलब टेंस चेंज आप नहीं करोगे। तो आप टेंस चेंज कब करोगे, जब रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो आपको पास्ट टेंस में दे रखी हो, मतलब आई फिलहाल लेसन दो कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो आगे टेंस चेंज नहीं करना। पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट को आप पता है यहाँ पे वर्ड बनेगा तो से या फिर सेज, ये वी वन है प्लस में एस एस लगा दिया, आपको पता है किसमें आता है प्रेजेंट में आता है, और फ्यूचर में क्या आता है सैले में आता है, तो प्लस में क्या होगा से होगा, तो ये किसकी पहचान है फ्यूचर की। तो आपको ये मिले रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आपको टेंस चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ, ही सेज आई एम स्मार्ट, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया है ही सेज आई एम स्मार्ट। तो आपको देखना है कि ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें टेंस कौन सा टेंस है, सेज मिल रहा आपको मतलब प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब टेंस चेंज नहीं करना। टेंस चेंज का रिपोर्टेड स्केज का हम यहाँ पे लिखेंगे ही सेज दैट, यहाँ पे आई प्रोनाउन है हम चेंज करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है ही, यहाँ पे सिंगुलर है ये और सब्जेक्ट का केस है, और यहाँ पे ही क्या है सिंगुलर है और सब्जेक्ट का केस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही। टेंस चेंज हम करेंगे नहीं, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं बट ही के साथ एम का यूज हम नहीं करते, इसका यूज करेंगे इस का, यहाँ पे क्या आएगा इज इज स्मार्ट। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं फ्यूचर एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि आई सेल से टू माई टीचर आई डिड माई वर्क, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा कि आई सेल से टू माई टीचर आई डिड माई वर्क। तो आपको देखना कि जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है कौन से टेंस में सेल से दे रखा, सेल दे रखा मतलब फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस आरवी को तो अपन टेंस चेंज नहीं करते। तो देखेंगे इसको, आई सेल टेल माय टीचर दैट, अब देखना आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट क्या आई है यहाँ पे क्या जाएगा आई आ जाएगा, आई टेंस हम चेंज करेंगे नहीं, ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस है, और यहाँ पे मई फर्स्ट पर्सन है, सब दैट अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट पर्सन क्या है आई, इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है मई होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा मई और वर्ब का वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आप समझ लोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो फ्यूचर टेंस में हो तो हम टेंस चेंज नहीं करते। अब देखेंगे कि हम टेंस चेंज कब करते हैं, तो टेंस चेंज हम करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपको पास्ट टेंस में दे रखी हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब है वो दे रखी है आपको पास्ट टेंस में, मतलब आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिले सेट मिले, तो आपको टेंस चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अब इसके लिए समझ लेते हैं टेंस चेंज हमें कैसे करना है, एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो मैंने आपके सामने टेल बना रखी है कि डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट, आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है तो आपको ये वर्ड मिले उसमें, आई मीन ये वर्ड मिले तो आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट वर्ब से ना इन वर्ब में, तो देखना है वी वन या वी वन प्लस एस सी एस, तो आप किसे इनडायरेक्ट में आओगे तो किस में चेंज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ऐसे ही डू डज प्लस नॉट तो उसे चेंज करोगे आप डिड नॉट में, इज एम आर तो आप उसे चेंज करोगे वर्ब या वर्ब में, एज हैव मिल रहा है तो आप हैड में चेंज करोगे, ऐसे वी टू हो या फिर डिड मिला आपको तो आप चेंज करोगे हैड प्लस वी वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ऐसे वाज या वर हो तो आप आंसर हो गए हैव बीन में, और टू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप आंसर हो गए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ऐसे सैलरी मिले आपको तो आप आंसर हो गए वुड में, और मे मिले तो माइट में, और कैन का कुड में आप टेंस करोगे। या फिर अलग अलग तरीके से आपको बताऊं, यदि आपको टेंस आपके याद है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है आपको ये इसे याद करने की जगह आप टेंस के साथ से आप टेंस कर सकते हो। यदि आपके टेंस बिल्कुल करेक्टली याद है तो आप यूं आसान तरीके से आप टेंस टेंस कर सकते हो। जैसे मैं आपको लिखूं, मैं यदि आपको जो आरवी तो मैं बता दिया आरवी पास्ट में हो तो टेंस जल्दी करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का आपको टेंस देखना है तो टेंस है वो दे रखा आपको प्रेजेंट टेंस में, तो आप उसे टेंस करोगे पास्ट टेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको फ्यूचर टेंस में दे रखा हो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस तो उसे भी आप टेंस करोगे पास्ट टेंस में। अभी मैं समझते हैं, पहले प्रेजेंट टेंस आपको पास्ट टेंस में टेंस करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो वी वन है या वी वन प्लस एस सी एस है आपको पता है इसका पास्ट क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। ऐसे इज एम आर का पास्ट क्या होता है वाज एवर होता है, हैज आर का पास्ट क्या होता है हैड होता है, हमने लिखा यहाँ पे इज एम आर का क्या किसके साथ करते हैं वाज वर्ब और हैज आर को हैड के साथ करते हैं, आप उसे कितना ध्यान रखना है। फ्यूचर में बात करूंगा सैल है विल तो आप उसे करते हो किसमें शुड में या फिर वुड में, तो यहाँ पे देखना आप वुड वर्ब का चेंज कर सकते हो या फिर आप शुड में लगा सकते हैं। सैल है विल है लेकिन बहुत से लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम वुड को ही चेंज करते हैं अधिकतर, यहाँ पे आप शुड भी लगा सकते हो जो आप डिपेंड करेगा आई आर वी के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मे है मे का पास्ट क्या होता है माइट होता है, ऐसे कैन का पास्ट क्या होता है कुड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पास्ट क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट का क्या बनाना है पास्ट बनाना है, और फ्यूचर का क्या क्या चेंज करना है पास्ट में चेंज करना है। तो ऐसे हम शुरू आ गए एक बात और कि प्रेजेंट का फ्यूचर का आपको चल गया कि पास्ट टेंस करना है, लेकिन यदि पास्ट टेंस आपको दे रखा है तो आप किस में चेंज करोगे उसी पास्ट में चेंज करोगे, क्या चेंज करना है इसे हम चेंज करते हैं 13-24 के अकॉर्डिंग। 13-24 क्या होता है ना कि एक का मतलब यहाँ पे क्या है पास्ट टेंस से चारों किसे पास्ट टेंस से रिलेटेड है, तो पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पे ये है पास्ट सिंपल टेंस और ये है पास्ट परफेक्ट, ये आप समझ चुके हो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक फ्रेंड्स। तो एक तो होगा एक हम चेंज करेंगे इस तीन में, मतलब जो पास्ट सिंपल है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल में आपको पता क्या आता है डिड आता है, ठीक है। तो डिड किस में चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में एड प्लस वी थर्ड में, आप यहाँ पे देख सकते हो डिड किस में चेंज किया एड प्लस वी थर्ड में, और वी टू अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो किस में चेंज होगा एड प्लस वी थर्ड में। ऐसे जो दो है दो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करेंगे चार में, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें क्या आता है वाज या वर्ब, इसमें क्या आता है हैड बीन, तो यहाँ पे देखो वाज या वर्ब हमने किस में चेंज किया हैड बीन। ऐसे ही तो इन दो का हमने चेंज कर लिया बट तीन और जो चार होंगे वो हमने चेंज नहीं करते, मतलब आपको सेंटेंस में हैड प्लस वी थर्ड दे रखा है और हैड बीन दे रखा है तो आप इनको चेंज नहीं करोगे इनडायरेक्ट बना के समय या आपको डायरेक्ट में मिले तो, ठीक है फ्रेंड्स। हम लेते हैं एग्जांपल्स इन्हें अच्छे से समझने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल यहाँ पे अमर सर आई वेंट देयर ऑन मंडे, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा अमर सैड आई वेंट देयर ऑन मंडे, हम इसका इंडेक्स बनाएंगे तो मैं आप लिखता हूं अमर सैड अभी आप लिखेंगे ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ टेंस की और पर्सन में पढ़ चुके उसी फोकस कर रहे हैं। तो आई है फर्स्ट पर्सन, हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है अमर, आई सिंगुलर है और सब्जेक्ट केस है तो अमर मेल है और मेल के नाम किसके अंदर है, ठीक है, ठीक
ठीक है, आप देख रहे हैं कि डियर टू रिपोर्टेड डोर इज फॉर रिपोर्टिंग वर्ब है, बात में सेट देयर है मतलब पास्ट टेंस है, तो आप टेंस चेंज करोगे तो आप टेंस चेंज किसमें करोगे, तो ये रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका देखो टेंस कौन सा है, वेंट देयर है और वेंट क्या है वो की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज करते हैं हम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, टेबल में दिख रहा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हम देखेंगे वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, और याद क्या रहेगा हैड, ही हैड गोन, देयर ऑन मंडे। और फ्रेंड्स जैसे आप ये देख सकते हैं 13 24 की ये क्या है, पास सिंपल है एक है, और इसे किस पे चेंज करोगे 13 मतलब 3 में, 3 क्या होता है एड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, ऐसे ही मैं नेक्स्ट सेंटेंस में यहां पे लिखूं तो मैं लिखता हूं ही सेड टू मी I shall go to Jaipur. मैंने आपके सामने लिखा he said to me I shall go to Jaipur. तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टेंस पास्ट में है, इसका मतलब टेंस हम चेंज करेंगे, तो यहां पर लिखता हूं मैं he told me that, यहां पे I फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग सब क्या है he, सब सिमिलर है वे सिमिलर है, सब्जेक्ट is, तो यहां पे क्या आएगा he, और यहाँ पे क्या सैलरी रखा है, हमें पढ़ सकते हैं सैलरी लो किस में चेंज करेंगे वुड में, मोस्टली पीपल वुड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं गो टू जयपुर। और फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं और आइटम पर आइटम, मैं आप लिखता हूं he said I had finished, work. मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब आर बी और पास्ट टेंस में सैड दे रखा है, इसमें हम टेंस चेंज करेंगे he said that। अब देखना आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सो दैट रिकॉर्डिंग ही, आप देखेंगे आप टेंस कौन सा है, फिनिश्ड पास्ट में है 3 नंबर का, मतलब कि परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो मैंने आपको पढ़ाया था 13 24 का ये वाला 13 24, इसमें जो 3 और 4 होता है उसे हम चेंज नहीं करते, तो जो पास्ट जो परफेक्ट टेंस है तो चेंज हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा ही हैड फिनिश्ड ऐसे की ऐसे, दैट ओके फ्रेंड्स हम एक बार आइडिया पर लेते हैं, जैसे मैं याद लिखता हूं अभी मैं आपको लिखता हूं यू सेड सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मैंने सेंटेंस लिखा सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यू सेड, तो आपको देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन टेंस है, पास्ट टेंस है, तो हम टेंस चेंज करेंगे, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको टेंस दे रखा है इज मिल रहा है, और इज का पास्ट क्या होता है वाज्य वर्ब, यहां पर आपको दिख रहा है टेबल में इज एंड आर की सेंटेंस करते हैं वाज्य वर्ब, हम चेंज करेंगे यू सेड दैट सी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी सी क्या थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हम क्या करते हैं चेंज नहीं करते, तो थर्ड पर्सन हम चेंज करेंगे नहीं, जैसे कैसे आएगा सी और इज एम आर किस चेंज होगा वाज में, तो सी क्या है सिमिलर है तो क्या आएगा वाज, वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं इस टॉपिक पर, हमारा पढ़ता हूं
की रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में आपको दे रखा है, तो हम चेंज चेंज करते हैं। बट एक कंडीशन ऐसी है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो, बट फिर भी हम क्या करते हैं, हम टेंस चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, यदि वो यूनिवर्सल दृष्टि में आता हो आपके, कोई मानव जाति के लिए सेंटेंस लिखा गया हो, या फिर कोई कहावतों को लोकति हो, कोई मुहावरा आपको दे रखा हो, तो हम टेंस चेंज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। मैंने आपका लिखा, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अर्थ क्या है? राउंड है। सभी को पता है जो पृथ्वी होती है वो गोल होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिपोर्टेड जो वर्ब है वो किसमें, जो रिपोर्टिंग वर्ब आपने दे रखी है पास्ट टेंस में, इसका मतलब आप टेंस चेंज करोगे। अभी तक हमने यही पढ़ा है, बट आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है। यूनिवर्सल प्रश्न है, सार्वभौमिक सत्य है कि जो अपनी जो अर्थ होती है वो राउंड होती है, गोल होती है, तो यहाँ पे हम टेंस चेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीचर इन डायरेक्ट मार्क्स में सेड दैट द अर्थ इज राउंड। आपने ध्यान दिया यहाँ पे इसका हमने चेंज नहीं किया, वास्तव में हमने इसका इज रखा है। हम ऐसे सेंटेंस में हमसे चेंज नहीं करते। सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। लाइक शेयर एंड कमेंट।